कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम। लास्ट वीडियो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और वो टाइप्स के पढ़े हुए थे। इसमें हम स्पेसिफिक एल्गोरिथम की बात करेंगे। तो कंजेशन कंट्रोल में जनरली हमारे दो एल्गोरिथम होते हैं, लीकी बकेट और टोकन बकेट। तो यह लीकी बकेट एल्गो, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर इन पॉइंट को देखेंगे। ये देखिए फिगर, इस फिगर में देखिए ये टैप से एक तरीके से वाटर आ रहा है, पानी आ रहा है। ये एक बकेट है, इसमें इकट्ठा किया गया है सारा पानी और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप करके कांस्टेंट रेट से ये निकल रहा है। अगर आपको इसमें वीडियो प्रॉपर और टेक्स्ट इमेज सही ना दिख रही हो तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो आपको प्रॉपर देखने लगेगा, है ना। अब देखो लीकी बकेट का मतलब ये होता है कि जितने भी पैकेट आ रहे हैं या पैकेट का जो अनरेगुलेटेड फ्लो है उन फ्लो को हम लोग एक कांस्टेंट या रेगुलेटेड फ्लो के फॉर्म में हम लोग इसको निकालते हैं। तो ये सारे पैकेट्स हैं, ये पैकेट का अनरेगुलेटेड फ्लो है और ये सारे एक बकेट में इकट्ठे होते जाते हैं। देन फिर लीक का मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप कह लीजिए या वन बाय वन कह लीजिए उनका रेगुलेटेड फ्लो है। भाई एक पानी है इसमें इकट्ठा हो गया, जब आप इसको लीक करेंगे थोड़ा थोड़ा तो क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट रेट से पानी आपका निकलेगा। वही लीकी बकेट का कॉन्सेप्ट है कि पैकेट पहले सारे एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, देन फिर एक कांस्टेंट रेट से फ्लो कराइए तो क्या होगा, आपका कंजेशन नहीं मिलेगा। होता क्या है भाई, कभी पैकेट कम आ गए कभी पैकेट ज्यादा आ गए, तो जब ज्यादा पैकेट आएंगे तो कंजेशन होगा। तो इसका सीधा सीधा तरीका ये है कि एक जगह आप कलेक्ट कर लीजिए, देन फिर कॉन्स्टेंट रेट से या रेगुलेटेड फ्लो में जितनी स्पीड चाहिए उस हिसाब से फ्लो कराइए तो आपका कंजेशन नहीं होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीकी बकेट एल्गो। देखिए इसके पॉइंट, लीकी बकेट कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट क्यू, है ना, लीफो ऑर्डर या फीफो ऑर्डर हम लोग फॉलो कर लेंगे। व्हेन अ पैकेट अराइव्स देयर इज अ रूम ऑन द क्यू, इट इज जॉइंड द क्यू, अदरवाइज इट इज डिस्कार्डेड। इसका मतलब जो भी पैकेट आएंगे इसमें आपके इकट्ठे हो जाएंगे, जब ये टैप फुल हो जाएगी तो क्या होगा, पैकेट फिर क्या होगा, डिस्कार्ड होने लगेंगे। तो ये इसका ड्रॉबैक है, अभी इस पर भी बताएंगे हम आपको। एट एवरी फिक्स्ड क्लॉक टिक वन पैकेट इज ट्रांसमिटेड अनलेस क्यू इज एम्प्टी, मतलब वन बाई वन करके एक एक करके रेगुलेटेड फ्लो में डेटा ट्रांसमिट होता रहेगा, ठीक। इट एलिमिनेट्स बस्टी कॉम्प्लेक्सिटी, पैकेट पास्ड ऑन द सबनेट एट द सेम रेट, मतलब जो आपका रेगुलेटेड या सेम रेट होगा उस रेट से डेटा फ्लो कॉन्टिन्यूअस करता रहेगा, ठीक। अब इसका देखिए ड्रॉबैक क्या है, दिस मे बी अ बिट ओवरडन एंड ऑल्सो पैकेट कैन गॉट लॉस्ट व्हेन बकेट इज फुल। तो देखिए इस लीकी बकेट में ठीक है कंजेशन तो हमारा रिमूव हो गया, भाई एक पैकेट आए हमने सबको एक जगह कलेक्ट कर लिया, देन फिर रेगुलेटेड फ्लो में कॉन्स्टेंट रेट से हमने पैकेट को फ्लो कराया, ठीक बात है, कंजेशन नहीं होगा वो भी ठीक है। इसका ड्रॉबैक ये है कि सपोज करो जब ये बकेट फुल हो गई देन जो पैकेट आएंगे वो क्या होगा, वो डिस्कार्ड होते जाएंगे सारे पैकेट, भाई पानी फुल हो गया तो पानी फैलता जाएगा या बकेट में पैकेट फुल हो गए तो फिर पैकेट डिस्कार्ड होने शुरू हो जाएंगे। तो ये इसका ड्रॉबैक है। अब इसको प्रॉब्लम को कैसे रिमूव किया गया, इसको रिमूव किया गया टोकन बकेट एल्गो। ये देखिए टोकन बकेट एल्गो, अब टोकन बकेट को समझिए। टोकन बकेट बताने से पहले, इसकी थ्योरी देखने से पहले, पहले आप कॉन्सेप्ट इसका भी समझ लीजिए। ये फिगर देखिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अगर ना दिख रहा हो तो। जो भी होस्ट कंप्यूटर है उससे सारा का सारा डेटा आया वो यहां पर कलेक्ट हो गया, ठीक है। ये लिखा है, मैं पढ़ के बता देता हूं, वन टोकन इज एडेड टू द बकेट एवरी डेल्टा टी टाइम, वन बकेट इज एडेड टू द बकेट एवरी डेल्टा टी। ये क्या लिखा है, द बकेट होल्ड्स टोकन। अब देखो होता क्या है टोकन बकेट में, ये आपकी जो बकेट है इस बकेट में, लीकी बकेट में क्या था, अगर ये फुल हो गई तो पैकेट क्या होता था, पैकेट जो है हमारे डिस्कार्ड हो जाते थे, भाई पैकेट फुल और पैकेट डालोगे तो वो डिस्कार्ड होने लगेंगे। अब देखना इसमें एक बहुत अच्छी चीज समझने वाली है, कुछ लोग बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं इसमें, अब प्रॉपर समझ लीजिए। हम क्या करते हैं, इस बकेट में कुछ टोकन डालते हैं, टोकन्स, वो टोकन एवरी डेल्टा टी टाइम पीरियड पे डाले जाते हैं, कुछ टोकन्स डाले जाएंगे। अब क्या होगा इसमें, इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि जितने टोकन यहां पर होंगे उतना ही डेटा इसमें आता रहेगा, ध्यान समझना, कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं, टोकन को फ्लो से रिलेट करा देते हैं, ऐसा नहीं है। जितने टोकन इसमें ऐड हो जाएंगे, सपोज करो इसके अंदर चार टोकन है तो चार पैकेट इसमें आ जाएंगे।
अगर 10 पैकेट आने हैं तो एवरी डेल्टा टी टाइम बताया ना मैंने, फिर अगले टाइम पीरियड पे और टोकन डाले जाएंगे तब फिर और डेटा आएगा। मतलब जितने टोकन इसमें हैं उतना ही डेटा आएगा, तो जाहिर सी बात है। तो जब फुल हो जाएगा मतलब टोकन नहीं है तो ये डेटा ऊपर से ही नहीं लेगा, ऊपर जो डेटा था वह डेटा वहीं बना रहेगा। मतलब बकेट में डेटा उतना ही आएगा जितने बकेट में अवेलेबल टोकन होंगे। देन फिर क्या बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, यहां से कॉन्स्टेंट रेट पे या रेगुलेटेड फ्लो हमारा डेटा का होता रहेगा। इससे हमारी ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई कि बकेट अगर फुल हो जाएगी देन व्हाट टू डू, तब फिर क्या होना चाहिए, पैकेट जो डिस्कार्ड हो रहे थे लीकी बकेट में वो नहीं होंगे। सीधी सी बात है, जितने बकेट में टोकन होंगे उतने ही पैकेट ऊपर से इसमें बकेट में आएंगे। अगर टोकन हमारे खत्म हो जाएंगे तो नेक्स्ट टोकन ऐड होने का वेट किया जाएगा, जब नेक्स्ट टोकन ऐड हो जाएंगे तब फिर और पैकेट ऊपर से रिसीव किए जाएंगे। अब देखो जितने टोकन उतना डेटा आ गया। अब डेटा यहां से जब फ्लो होएगा तो जितने पैकेट फ्लो होते जाएंगे तो वो टोकन डिस्ट्रॉय भी होते जाएंगे। सपोज करो चार टोकन थे, चार डेटा ले लिया, इसमें से दो फ्लो हो गए तो दो को टोकन डिस्ट्रॉय हो गए, चारों फ्लो हो गए तो चार टोकन डिस्ट्रॉय हो गए। तो सीधी सी बात है, जितना टोकन अराइवल रेट होगा, टोकन अराइवल रेट होगा उसी हिसाब से डेटा इसमें लिया जाएगा और उसके बाद वो डेटा लीकी बकेट की तरह ही कॉन्स्टेंट रेट पे डेटा फ्लो करता रहेगा। सिंपल सा लॉजिक ये है। कुछ लोग इस टोकन को इस फ्लो से रिलेट करा देते हैं, ऐसा नहीं। तो टोकन का सीधा सीधा मतलब क्या है कि टोकन अराइवल रेट जो होगा वो बकेट में जो डेटा आ रहा है उसको अफेक्ट करेगा। तो बस अब आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें देखिए इस बकेट में तीन टोकन है तो इसमें तीन पैकेट आएंगे और वो पैकेट कॉन्स्टेंट रेट पे फिर फ्लो यहां से करते रहेंगे। तो अब सारे पैकेट जो आ रहे थे ऊपर से वो एक साथ बकेट में ना होके टोकन की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेंगे और टोकन नए कब ऐड होंगे, एवरी डेल्टा टी टाइम पीरियड पे नए टोकन ऐड होते जाएंगे। तो नए टोकन ऐड होते जाएंगे, पैकेट ऊपर से ऐड होता जाएगा, जैसे ही डेटा ट्रांसमिट होता जाएगा तो टोकन डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। तो टोकन डिस्ट्रॉय होते जाएंगे, फिर नए टोकन आते जाएंगे, फिर नया डेटा आ जाएगा, फिर डेटा फ्लो हो जाएगा और टोकन डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। ये प्रोसेस चलती रहती है। तो दैट इज कॉल्ड टोकन बकेट एल्गो। अब देखिए इसके कॉन्सेप्ट। टोकन बकेट इज प्रोवाइड अ मैकेनिज्म दैट अलाउड डिजायर्ड लेवल ऑफ बस्टीनेस। डिजायर्ड लेवल ऑफ बस्टीनेस का मतलब जितनी आपकी जरूरत हो उतना ही बस्ट आप लीजिए। आप टोकन जितना बढ़ाते जाएंगे, टोकन का अमाउंट ज्यादा कर देंगे तो डेटा ज्यादा कलेक्ट हो जाएगा, टोकन कम कर देंगे तो डेटा कम कलेक्ट होगा। विद इन अ फ्लो बाय लिमिटिंग इट्स एवरेज रेट एज वेल एज इट्स मैक्सिमम बस्ट साइज। बस्ट साइज का मतलब कि आपकी बकेट का साइज क्या है, उस साइज के हिसाब से और जो आपका रेट आ रहा है उस रेट के हिसाब से आप डिजायर्ड लेवल ऑफ बस्टीनेस या डिजायर्ड लेवल ऑफ फ्लो जो है आप इसमें आप ले सकते हैं। अब स्टेप्स क्या होते हैं, ये चार स्टेप्स चलते हैं। इन रेगुलर इंटरवल टोकन्स आर थ्रोन इनटू द बकेट एफ। जो ये बकेट एफ है इसके अंदर वही मैंने बताया एवरी डेल्टा टी टाइम पीरियड पे एक रेगुलर इंटरवल पे टोकन इसमें डाले जाएंगे। ठीक, द बकेट हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी एफ। ठीक, इफ द पैकेट इज रेडी देन अ टोकन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बकेट एंड द पैकेट इज सेंड। जब कोई पैकेट सेंड होना होता है तो पैकेट जब ये सेंड हो जाता है तो टोकन उसके एसोसिएटेड जो टोकन होगा एक टोकन को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सपोज इफ देयर इज नो टोकन इन द बकेट द पैकेट कैन नॉट बी सेंड। अगर इसमें बकेट में टोकन नहीं होगा तो फिर टोकन नहीं, इसका मतलब इसमें पैकेट भी नहीं होगा। क्यों, जितने टोकन होंगे उतने ही तो पैकेट ऊपर से आएंगे, जब टोकन ही नहीं है तो इसमें कोई डेटा भी सेंड करने के लिए नहीं होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा लीकी बकेट और टोकन बकेट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, ये तो हुआ थ्योरी पोर्शन। अब देखो लीकी बकेट और टोकन बकेट पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, गेट में और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स को भी देख लेते हैं। ओके, देखिए इसमें एक सीधा सीधा फॉर्मूला काम करता है, ये आपको रिमाइंड करके रखना पड़ेगा। बस्ट लेंथ एस, इसको सेकंड में, एस को सेकंड में क्लियर करते हैं। तो उसको निकालने के लिए एस इक्वल टू सी अपॉन एम बाई एम माइनस पी। अब सी क्या है, कैपेसिटी ऑफ द बकेट, एम क्या है, मैक्सिमम बस्ट रेट, और पी क्या है, रेट ऑफ अराइवल ऑफ टोकन, या ऐसे कह लीजिएगा टोकन अराइवल टाइम। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगता है एस इक्वल टू सी अपॉन एम माइनस पी।
कुछ जगह आपको पी की जगह आर लिखा हुआ मिलेगा, कुछ बुक में आर की जगह रो भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये चीजें एक ही है, पी हो, आर हो या रो हो, बात एक ही है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला आपका ये बनता है, एस सेकेंड में आएगा और ये रेट जो है बीपीएस, ये सभी आप एक ही यूनिट में रखिएगा तभी आपका आंसर ठीक आएगा। अब देखिए न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। ये न्यूमेरिकल आपको टेनेनबॉम में मिलेगा, उसी से मैंने पिक किया हुआ है। देखिए ये ए फिगर जो है इसमें बकेट को इनपुट दिया जा रहा है, मतलब 25 MB/s। फिगर में आपको दोबारा से दिखा दूंगा, फेयर अभी पहले से समझिए। ए फिगर में बकेट में इनपुट दिया गया है, बी क्या है लीकी बकेट का कॉन्सेप्ट दिया गया है, फिर सी में अब ये टोकन बकेट कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, सी डी ई एफ में, सी डी और ई में। यहां पे टोकन बकेट की कैपेसिटी है 250 KB, फिर डी फिगर में 500 KB, ई में 750 KB, एफ में इन्होंने दोनों को दिया हुआ है, या ऐसे कह लीजिएगा एफ में जो टोकन बकेट की कैपेसिटी है वो 500 कर दी है इन्होंने, 500 टोकन बकेट फीडिंग और 10 MB/s लीकी बकेट, है ना। कहने का मतलब ये है जो यहाँ पे कैपेसिटी थी आपकी वो 500 KB और 10 MB/s के हिसाब से है। अभी देखिए न्यूमेरिकल्स को मैं डिटेल में देखता हूँ। पहले तो आप इसका फिगर जो ये बना हुआ है इसको आप एक फ्रेश फिगर में दिखा देता हूँ, वहां से आप देख लीजिए। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ए में देखो डेटा दिया जा रहा है, मतलब 25 MB/s डेटा 40 ms तक दिया जा रहा है, और बी में लीकी बकेट लगाई गई है। तो सीधा सा मतलब है, देखिए 25 × 4 करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और एमबी और मिली सेकेंड एक ही पावर 6 है, ये पावर 3 है, तो कुल मिला के 1000 MB डेटा होगा हमारा, है ना। तो जब लीकी बकेट आप लगाएंगे, अगर लीकी बकेट की कैपेसिटी 2 MB/s है तो सीधा आप क्या करेंगे, इसका टोटल डेटा निकाल लेंगे 25 × 40 / 2, तो ये 500 ms तक ये डेटा हमारा ट्रेवल कर जाएगा। ये तो लीकी बकेट एक कॉन्स्टेंट रेट है, कि मतलब 2 MB/s की स्पीड से हम डेटा भेजेंगे तो कितने टाइम तक जाएगा, तो 500 ms तक। अब देखिए सी डी और ई फिगर जो था, यहां पर 200 / 250 KB की आपकी बकेट साइज थी, 250 इधर, 500 इधर, 750 और यहाँ पे दूसरा लॉजिक था। अब देखिए मैं आपको पूरा इन तीनों फिगर के कैलकुलेशंस डिटेल में समझाता हूँ, या मैंने आपको फिगर दे दिया है, जब आप पढ़े तो इन फिगर्स को एक साइड रख लीजिएगा और कैलकुलेशन एक साइड रख लीजिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। ये क्लियर फिगर है ए बी सी डी ई और एफ, राइट। तो पेन ये तो 25 × 40, तो सीधा सीधा आप देख लीजिए, देखिए अब टोटल डेटा कितना सबमिट हो रहा है, 25 MB, 25 × 10⁶, और कितनी देर तक, 40 ms तक, 40 × 10⁻³, तो ये कितना हो जाएगा, 25 × 1000 × 10³, हम कह सकते हैं टोटल हो गया 10⁶ बाइट्स, ठीक है ना, इतना डेटा जाना है। अब अगर लीकी बकेट आप लगाते हैं जिसका कांस्टेंट रेट हमको दिया गया है 2 MB/s, तो कितने टाइम में लगेगा, तो सीधी सी बात है, तो 10⁶ डेटा जाना है, तो हम डिवाइड कर देंगे, 2 MB/s जा रहा है, तो ये क्रॉस हो गया, इतना हो गया क्या, 0.5 सेकेंड, है ना। अब इसको आप मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो मिली सेकेंड के लिए क्या होगा, तो 0.5 × 10³/3/10³, इन दोनों का मैंने वो कर माइनस थ्री, इन दोनों से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइड कर दिया। तो जब आप यहाँ पे 10⁻³ करेंगे तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 3 पे कितना हो जाएगा, 500 × 10⁻³, तो ये हो जाएगा 500 ms। तो वही देखिए आप इस फिगर में 2 MB के कॉन्स्टेंट रेट से, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 2 MB के कॉन्स्टेंट रेट से ये डेटा जो है 500 ms तक ट्रेवल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए सी डी और ई की कहानी क्या है, 250 KB, 500 KB और 700 KB की टोकन बकेट की कैपेसिटी करती है। देखिए इसकी कैलकुलेशन देखिए, मैंने सेपरेट फिगर ले लिया है। अब यहां पर क्या दिया है, फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया था आपको, S = C/M-P, ठीक। अब देखिए यहां पर हमें ये कहा गया है कि चैनल की जो कैपेसिटी थी कितनी थी, 250 KB की, तो B की वैल्यू मैंने ले ली 250,
कलर चेंज, यहां पर मैंने बी की कैपेसिटी ले ली, अब 250 केवी थी तो 250 केवी को 250 इंटू 10^3 कर लिया, ठीक है ना। मैक्सिमम कैपेसिटी दी गई थी 25 × 10^6, 25 MB के दिया गया था फिगर में। टोकन अराइवल रेट अब दे दिया गया है 2 × 10^6 का, ठीक। और टोटल डेटा कितना था, 10^6 अभी निकाला हमने, तो इस फॉर्मूले का यूज करिए, एस इक्वल टू सी अपॉन एम माइनस पी। तो एस कितना दी, टोटल कैपेसिटी कितनी दी गई है, ये 250, या इसको आप बी कह लीजिए या सी कह लीजिए, बात एक ही है, कैपेसिटी बैंडविड्थ बात वही है। 250 × 10^3 अपॉन एम कितना था, ये 25 माइनस टोकन अराइवल रेट, ये था इतने सेकंड आ गया, इसको आप मिली सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 10.8 आएगा रम, तो इसको अप्रोक्सीमेट कर लिया 11 मिली सेकेंड। तो 11 मिली सेकेंड में कितना डेटा जाएगा, तो 0.011 कर लिया, कैलकुलेशन के आसानी रही इसलिए मैंने इसको ऐसा कर लिया, 10.8 × 11 में कर लिया। और मैक्सिमम कितना था, 25, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया इतना डेटा, और टोटल डेटा कितना था 10^6, उसमें से इतना माइनस कर दिया तो इतना बचा। अब इतना ट्रांसमिट होने में कितना समय लगेगा, तो ये तो कॉन्स्टेंट रेट से जाएगा, 2 × 10^6 से डिवाइड कर दिया इंटू दिस, ये आ गया 363। तो आप यही देख लीजिएगा, 11 ये था और बाकी ये, तो टोटल टाइम 374। तो वही इन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपका ये आया था टाइम 11 मिली सेकेंड, तो 25 MB डेटा तो 11 मिली सेकेंड तक जाएगा, इसके बाद 2 MBPS की स्पीड से इतने सेकेंड तक डेटा जाएगा, तब टोटल डेटा हमारा ट्रांसमिट हो जाएगा। अब यही कैपेसिटी अगर बढ़ा के 500 कर दी जाती है तो क्या होगा, देखिए दूसरा कैलकुलेशन। अब यही सब कुछ वही था, कैपेसिटी 500 कर दी तो क्या हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला, एस इक्वल टू कैपेसिटी कह लीजिएगा या बैंडविड्थ कह लीजिए, बात एक ही है, सी या बी दोनों चीजें एक ही है, एम माइनस पी। मैंने आपको बता देता हूं फॉर्मूला जो होता है, एस इक्वल टू सी अपॉन एम माइनस पी, मैंने आपको बताया था, कहीं पर सी लिखा होता है, कहीं पर डब्ल्यू लिखा हो या बी लिखा हो, बात एक ही है, बैंडविड्थ को डिपेंड करते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी को, और कहीं पर पी लिखा हो या आर लिखा हो या रो लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो 500 अगर किया गया है तो 500 इंटू मैक्सिमम ये था 25, टोकन अराइवल रेट सेम था तो इतना सेकंड, इसको राउंड फिगर में कर लिया 22 मिली सेकेंड। तो अब 22 मिली सेकेंड में कितना डेटा जाएगा, 25 × 10^6 × 0.22 इतना डेटा चला जाएगा। टोटल डेटा था 10^6, माइनस कर दिया इतना तो बचा इतना, जितना बचा उसको फिर कॉन्स्टेंट रेट से डिवाइड कर लीजिए तो इतने मिली सेकेंड आ गया इसको। तो अब कितना टाइम लगेगा टोटल, पहले तो 22 मिली सेकेंड तक जा रहा था, अब हमारा इतना टाइम लगा, तो टोटल टाइम आ गया 247। तो वही उस फिगर में लिखा हुआ है कि अगर कैपेसिटी 500 KB हो जाती है तो 25 MB डेटा 22 सेकेंड तक जाएगा, और बाकी का बचा हुआ 2 MB/s की स्पीड से इतने मिली सेकेंड तक जाएगा। तो आपको एग्जाम में दिया क्या क्या जाएगा, ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, ये टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो ये जो फिगर आपका बना हुआ था टेनेनबॉम बुक से ही मैंने लिया हुआ है। तो 250 KB पे जो कैलकुलेशन थी वो मैंने आपको बता दी कैसे ये फ्लो करेगा, और ये 500 पे 750 वाली आप अपने आप कर लीजिएगा, इसको मैंने नहीं किया है, तो आपकी आ जाएगी 25 MB डेटा जाएगा 33 मिली सेकेंड तक, और 2 MB डेटा जाएगा 88 मिली सेकेंड तक, आप प्लीज करके देख लीजिएगा, है ना। अब देखिए एफ वाला, इसमें 500 KB टोकन बकेट है और 10 MB/s की लीकी बकेट है, देखिए कैसे आएगा अभी एफ वाला, कैपेसिटी कितनी कर दी 500, ठीक, और ये जो था ये चेंज करके हो गई अब 10, जो पिछले वाले फिगर पुराने वाले में दी गई थी आपको 25 दिया गया था, जो वो कर दिया गया अब 10 का, ठीक। तो हमने R1 R2 ले लिया, आप चाहें तो MP और ले लीजिएगा, आप अगर फॉर्मूला ऐसे लगाएंगे S इक्वल टू C अपॉन M माइनस P, तो C हो जाएगा इसमें ये वाली चीज 500, M हो जाएगा आपका ये जो मैंने R2 माना हुआ है, ठीक है, और ये R1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीधा सेम कैलकुलेशन, इतना टाइम, टोटल डेटा था 10 × 10^6 हमारा 62.5 तक गया, तो 62.5 तक कितना डेटा चला जाएगा, अब स्पीड ये हो गई थी तो इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, टोटल डेटा था 10^6, माइनस कर लीजिए इतना, इतना डेटा बचा, और टोकन अराइवल रेट कॉन्स्टेंट रेट इतना, इतनी मिली सेकेंड तक जाएगा, इसको और इसको आप प्लस कर लीजिएगा, तो टोटल टाइम हो गया आपका
250 मिलीसेकंड। ये तो मैंने एग्जाम्पल समझाया। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो भी दे देता हूं मैं आपको करा के। ये जो क्वेश्चन है गेट 2016 का क्वेश्चन है, 2016 गेट में आया था, मैंने वही क्वेश्चन उठा लिया है। फॉर अ होस्ट मशीन दैट यूज अ टोकन बकेट एल्गोरिथम, टोकन बकेट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 1 मेगाबाइट। कैपेसिटी कितनी दे दी गई है, 1 × 10⁶ बाइट। मैक्सिमम आउटपुट रेट कितना दिया गया है, 20 bytes per second, मतलब मैक्सिमम दे दिया गया है m × 20 megabytes, ठीक है। टोकन अराइव रेट है कितना, 10 Mbps, तो मतलब p जो हमें दिया गया है वो 10 का दिया गया है, इतने bytes पर सेकेंड लगा देता हूं मैं, ये पर सेकेंड की कहानी दी गई है। द टोकन बकेट इज करेंटली फुल, द मशीन नीड्स टू सेंड 12 MB डेटा, ठीक है, 12 MB डेटा हमको सेंड करना है मेगाबाइट्स, ठीक है। द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द डेटा इज दिस, इतना डेटा ट्रांसमिट करना है। सीधा सा फॉर्मूला अभी बताया मैंने आपको, s = c/m-p, c दिया गया है 1 × 10⁶ / 20 × 10⁶ × 10 × 10⁶ यहां पर माइनस कर लीजिए, 20 माइनस, तो कितना बचेगा, 1 × 10⁶ / 10 × 10⁶, ये कैंसिल, ये कितना आ गया, 0.1 वॉट। यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, सब कुछ यूनिट सेकंड में दी गई है, इसलिए मैंने लिख दिया 0.1 सेकंड। अब रेट कितना था आपके पास, 20 का मैक्सिमम रेट ये था, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 20 × 10⁶ × 0.1, इतने सेकंड में कितना डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा, तो 2 × 10⁶ बाइट डेटा इतने सेकंड में ट्रांसमिट हो जाएगा। और टोटल कितना करना था, 12 MB, तो बचा कितना, तो 12 MB था, तो 12 × 10⁶ - कितना ट्रांसमिट हो गया, 2 × 10⁶, बचा कितना, 10 × 10⁶ बाइट, ठीक है ना। ये मैंने क्या निकाला है, 0.1 जो सेकंड आया, इतनी देर में कितना डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, टोटल था 12, उसमें से इसको मैंने माइनस कर लिया, तो बचा कितना, इतना। अब इतना डेटा ट्रेवल होने में कितना समय लगेगा, तो 10 × 10⁶, और कॉन्स्टेंट रेट कितना दिया गया था, 10 × 10⁶, यही दिया गया था ना, जो कॉन्स्टेंट रेट है टोकन अराइवल रेट, तो 10 × 10⁶ से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये सब डिवाइड हो गया, कितना आया, 1 सेकंड, ठीक। तो टोटल टाइम कितना निकला, 1 सेकंड प्लस ये जो टाइम आपने निकाला था 0.1, दैट विल बी 1.1 सेकंड, ठीक। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन जो है लीकी बकेट और टोकन बकेट पे बेस कर सकते हैं।